हाय गाइस, सो आज डे 10 की वीडियो के अंदर हम फर्दर मार्केटिंग मैनेजमेंट के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे और देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए एक एक करके क्विज को अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए सो दैट आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। अगर आपको कॉमर्स मैनेजमेंट एंड एचआर का दिसंबर 2019 के लिए कंप्लीट कोर्स पैक चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट विजिट करके उसे परचेस कर सकते हैं। तो चलिए हम एक एक करके क्विज को अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं। अगर आपको ये क्विजेस टेलीग्राम पे अटेम्प्ट करने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। चलिए हम डे 10 का क्विज अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं। सो देखिए, अर्लियर वीडियोस में हमने आपको बाकी स्टेप्स बताए थे कि आपको हमारी वेबसाइट कैसे विजिट करनी है, कैसे क्विजेस को अटेम्प्ट करना है। सो अगर आपने उन्हें नहीं देखा है आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए हम डायरेक्टली डे 10 के क्विज पे आते हैं और उसे अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कह रहा है। जिलेट मैक 3 रेजर कम्स विद अ कार्ट्रिज एंड ब्लेड। द इंडिविजुअल प्राइस ऑफ कार्ट्रिज इज हायर देन द रेजर इटसेल्फ। दिस टाइप ऑफ प्राइजिंग इज। अब देखिए यहाँ पे बोला गया आपसे, जो जिलेट के रेजर्स आते हैं इसमें जो आपका कोर प्रोडक्ट है दैट इज रेजर, उसके प्राइजेस कम रखती है कंपनी एंड उसके साथ जो सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट है दैट इज इट्स ब्लेड्स, सो उसके प्राइजेस कंपनी हाई रखती है। सो ये किस टाइप की प्राइजिंग स्ट्रेटजी है? सो इसको बोला जाता है कैप्टिव प्राइजिंग स्ट्रेटजी। सो यहाँ पे कैप्टिव प्राइजिंग स्ट्रेटजी के अंदर कंपनी क्या करती है, अपने कोर प्रोडक्ट के प्राइजेस को कम रखती है और जो उसके सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट है जो कि कोर प्रोडक्ट के साथ ही यूज किया जा सकता है उसके प्राइजेस को हाई रखती है। यहाँ पे कंपनी की स्ट्रेटजी ये होती है कि कोर प्रोडक्ट के प्राइजेस को जितना कम रखा जाएगा उसकी सेल्स उतनी ज़्यादा होगी और सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट को ज़्यादा हाई रख कर कंपनी उससे ज़्यादा रेवेन्यू अर्न करने की कोशिश करती है। सो इसको बोलते हैं कैप्टिव प्राइजिंग स्ट्रेटजी। सो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया दैट इज बी ऑप्शन। चलिए बाकी ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। सील्ड बिड, देखिए सील्ड बिड में जो प्राइजिंग होती है वो कंपनी डिसाइड नहीं करती है, यहाँ पे बिडिंग होती है और बिडिंग के बेसिस पे जो कस्टमर के रिस्पॉन्सेस कलेक्ट होते हैं इसके बेसिस पे प्राइजेस को डिटरमाइन किया जाता है कि कस्टमर कितना प्राइस मैक्सिमम दे सकते हैं। सो यहाँ पे आपकी सील्ड बिड है ये। अगर हम प्राइस स्कीमिंग की बात करें, प्राइस स्कीमिंग के अंदर कंपनी इनिशियली जब प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है तो वहाँ पे काफ़ी हाई प्राइजेस रखती है सो दैट वो मार्केट के अंदर से जो हाई पेइंग कस्टमर्स हैं उनसे ज़्यादा प्राइजेस चार्ज कर सके और उसके बाद में उसको प्राइजेस को लो कर दिया जाता है सो दैट कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को अप्रोच कर पाए। सो अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो प्रिसीव्ड वैल्यू के अंदर यहाँ पे प्राइजिंग को इस तरीके से रखा जाता है कि कस्टमर कितना उस प्रोडक्ट से वैल्यू प्रिसीव कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कस्टमर को कितनी वैल्यू मिल रही है उस प्रोडक्ट से, इसके बेसिस पे इसकी प्राइजिंग डिटरमाइन की जाती है। सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसमें क्या बोला गया आपसे, अ मेथड ऑफ अचीविंग हायर मार्केट रिस्पॉन्स फ्रॉम लिमिटेड मार्केटिंग रिसोर्सेज by reorganizing differences in the response characteristics of various part of market is known as। So देखिए यहाँ पर बोला गया है कि आपके पास resources limited हैं and आप market को different parts में divide कर रहे हैं so that आपको हर एक part से कुछ response मिल सके। So इस टाइप इसको किस टाइप की strategy बोला जाता है? So इसको बोलते हैं segmentation strategy। सेगमेंटेशन स्ट्रेटजी के अंदर कंपनी क्या करती है, अपने मार्केट को सब पार्ट्स में डिवाइड करके सेगमेंट्स बना दिए जाते हैं। यहाँ पे सेगमेंट्स को टारगेट किया जाता है रेदर देन कंप्लीट मार्केट। सेगमेंट्स को टारगेट करने के लिए कंपनी का बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पे रिसोर्सेज कंपनी के पास लिमिटेड हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज में कंपनी पूरे कंप्लीट एक सेगमेंट को टारगेट कर सकती है। सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज सी सेगमेंटेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। यहाँ पे बोला गया है प्राइजिंग स्ट्रेटजी इज यूज्ड व्हेन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज हाई। सो देखिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर हाई है दैट इज अगर प्राइस के अंदर माइनर चेंजेस आ रहे हैं सो यहाँ पे डिमांड के अंदर हाई चेंजेस आएंगे। सो यहाँ पे आपकी इलास्टिसिटी काफ़ी हाई है। सो अगर इलास्टिसिटी हाई है सो यहाँ पे प्राइजिंग में चेंज आने से आपकी जो सेल्स है वो काफ़ी कम हो सकती है। सो इसलिए यहाँ पे कंपनी क्या करती है, पेनिट्रेशन प्राइजिंग स्ट्रेटजी यूज करती है। पेनिट्रेशन प्राइजिंग स्ट्रेटजी के अंदर कंपनी अपने प्राइजेस को काफ़ी लो रखती है सो दैट उसकी सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज पेनिट्रेशन प्राइजिंग स्ट्रेटजी। सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी कॉस्ट प्लस प्राइजिंग। देखिए कॉस्ट प्लस प्राइजिंग के अंदर कंपनी जो अपने प्रोडक्ट के प्राइजेस हैं उसको प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस सफिशियंट मार्जिन रख के चार्ज करती है। चलिए डी ऑप्शन कह रहे हैं डज नॉट डिपेंड अपॉन इलास्टिसिटी। देखिए ये काफ़ी इरेलीवेंट पॉइंट है, इसका कोई रिलेशन नहीं है क्वेश्चन से सो इसको हम इग्नोर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं।
चेंज इन टैक्स इज अ पार्ट ऑफ विच एनवायरमेंट. सो अगर टैक्स के अंदर चेंजेस आ रहे हैं तो किस से कौन से एनवायरमेंट का पार्ट है. सो ये काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है. सो इसका आंसर आप हमें कमेंट में लिख के बताइए. इन्वायरमेंट के बारे में हम अपनी कंप्लीट वीडियो सीरीज के अंदर डिस्कस करेंगे सो दैट आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए कि कौन से इन्वायरमेंट के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स कंसिडर किए जाएंगे. चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं. विच कंसेप्ट बिलीव दैट द मार्केट कंज्यूमर विल एब्जॉर्ब एनीथिंग दैट वुड बी प्रोड्यूस्ड बाय द मैन्युफैक्चरर. सो मैन्युफैक्चरर कुछ भी प्रोड्यूस करेगा कंज्यूमर उसको कंज्यूम करेगा. ये कौन से कंसेप्ट के अंदर बोला गया है. सो इसको प्रोडक्शन कंसेप्ट के अंदर बताया गया है. सो यहाँ पे प्रोडक्शन कंसेप्ट की बात की गई है. प्रोडक्शन कंसेप्ट में मास प्रोडक्शन में बिलीव किया जाता है कि मास प्रोडक्शन होगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल होंगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो रहेगा और इसमें कंज्यूमर पे ध्यान नहीं दिया जाता कि कंज्यूमर की डिमांड क्या है, कंज्यूमर किस टाइप के प्रोडक्ट की कंज्यूमर को नीड है. सो इन सब चीज़ों को कंसीडर नहीं किया जाता है. सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज प्रोडक्शन कंसेप्ट. सो आज हमने डे 10 के अंदर 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे और अगर आपको ऐसे ही डेली क्विजेस अटैम्प्ट करने हैं सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. और अगर आपको कॉमर्स मैनेजमेंट एंड एचआर का कंप्लीट कोर्स पैक परचेस करना है सो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं. अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे गिवन नंबर पर कॉल कर सकते हैं. आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है सो दैट आप हमारी वेबसाइट को इजीली अप्रोच कर पाएँ. थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. थैंक यू सो मच गाइज.